अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी TS नॉलेज TV से। और इस वक्त मैं मौजूद हूं खानपुर नहर के करीब शहूपुरा में एक ऐसे फार्म पर जहां पर खूबसूरत बछड़े तैयार किए गए हैं जो कि कुर्बानी 2022 और 23 के लिए हैं। तो मेरे पास जो भाई जो बाबा जी बैठे हैं इनका नाम बाबा सलीम है और बछड़ा फार्मिंग में इनको लोग उस्ताद बाबा सलीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके फार्म पर महंगे बछड़े, खूबसूरत बछड़े, यूनिक बछड़े होते हैं। बाबा जी के पास जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका इस फील्ड में कितना तजर्बा है, कितनी देर पहले से ये इस काम में आए, कौन कौन सी मुश्किलात आई और बाबा सलीम बनने तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया और इतने खूबसूरत और महंगे बछड़े किस तरह तैयार करते हैं, इनको खुराक क्या देते हैं, इनको माहौल कैसा देते हैं और इन बछड़ों के ऊपर वर्कर कितने रखे हुए हैं, एक एक चीज़ पूछी जाएगी। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है TS नॉलेज TV को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भाइयों को हमारे चैनल के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। बाबा जी के पास चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, सब तो पहले मेरे देखने वाले भाइयों को आपका नाम दसो, आपका तारफ करवाओ, ते ए दसो किन्नी साल तो ए तुसी कम कर रहे जे, ते पंजाबी जे दसो ठोस गल्ला दसो। जी सारा तो पहले ते मेरे जिन्ने दोस्त ए चैनल देखन लगे ने या देखणगे, मेरी तरफ से सारा नू बहुत बहुत ज़्यादा अस्सलामु अलैकुम। उस तो बाद पुत्र मैनू इस काम दे विच 40 साल तो उत्ते ते 50 साल तो थले तकरीबन हो गए ने कम करदे आ। ठीक है पुत्र। अच्छा जी बाबा जी, ये अच्छा बाबा जी, पिछले साल थोड़ा इंटरव्यू किया, मैंने बेशुमार लोगों ने कॉल की कि तुसी बाबा जी का इंटरव्यू किया, असी बड़ा पसंद किया, बाबा जी ने खुराक भी दसी है, लेकिन उन्होंने क्या तुसी एक सवाल नहीं किया कि खुराक का मुकम्मल जरा जी मुकम्मल डिटेल है कि फी बच्चे किन्नी खुराक कड़ी दी जाती, मुकम्मल तरीका वो नहीं पूछा। वजाहत नाल दसो कि तुसी खुराक की दे रहे जे, तो फी बच्चे किन्नी किन्नी खुराक दे रहे जे, तो कड़े कड़े टाइम दे रहा, मुकम्मल आपका फीडिंग प्लान दसो। देखो जी, पहले नंबर पर काले चने मैं पाँगा जी अपने राशन के, उस तो बाद गंदम का दलिया कराँगा जे, नाल मेरी मकई होंगी जे, नाल खल बनौला होंगी जे। ठीक है, उस तो बाद नाल मिलक सुखा दुध जिन्होंने कहते जे वो हुंदा जे, ए पांच छः चीज़ा नाल जरा ना तरीके दे नाल जिमें जिमें मौसम हुए असी तारा मीरा देने या सरों का तेल देने या मक्खन देने, वो असी रूटीन वाज इंज ही देने जिमें मौसम चारों मौसम के चौं मौसमों के हिसाब से असी खिलाते जे। और सुन लो जो ईमान गल, 3 किलो बंडा जे मेरा एक टाइम का, 3.25 किलो माल मेरा बर्दाश्त नहीं है करता, 50-60 मन का बच्चा बजा जो 3.5 किलो बंडा पाओगे गोया पतला कर देगा। 3 किलो मेरा बंडा जे हैवी बंडा मेरा जरा मैं बनाया जरा अपने मैं माल नू पाना, सिर्फ उन खसूसियत है कि मेरा इत अपना बंडा जे 3 मेरे दोस्त के कोल नाल विचो मिक्स करता जे, तो नाल अपना मैं बंडा देसी पाना विच, मैं कोई कसम चुका लो अज तक कोई बाजारू बंडा नहीं जे पाया, कभी कोई फीड नहीं जे पाई, यह कुछ ही पाना अपना बंडा मैं तैयार करना और पाना, अल्लाह की मेहरबानी मेरा माल ग्रोथ करना। अच्छा ये बाबा जी जो चीज़ा दसियां ने, ये चीज़ा मिक्स करके एक टाइम एक बच्चे 3 किलो? हाँ, 3 किलो सारिया चीज़ा मिक्स करके ना 3 किलो मेरा बंडा जे, इस तो ज़्यादा जानवर पचा ही नहीं सकता। जाकर कोई दोस्त चाहे ना मेरे को बंडा लै जाए तो मैंने ज़्यादा पा के बहा दे, वो आखेगा बाबा ये तो गोया पतला कर गया, उन्होंने मोशन लग जाएंगे, मैं बल्कि 3 सिर तो घट रखता है मेरा बंडा और रूटीन वाज रखता जी, मैं फिर बंडा शार्ट नहीं जो होने दिता। अच्छा तुम आपका नंबर दसो ता कि जेडे भाई थोड़ा बंडे का फार्मूला लेना चाहन कि किन्नी मकदार मकई पानी है, किन्नी मकदार चना पाना है, मुकम्मल डिटेल थोड़े को लै सकन, क्योंकि वीडियो चो फिर मुकम्मल फार्मूला दसना लंबी हो जाएगी वीडियो। जी 100 बिस्मिल्लाह। आपका नंबर दसो। जिस दोस्त ने कोई मालूम चाहिए हो राय मौला फी समीला रहनमई करांगा, 0300 मेरा पूरा नंबर है, 0300-800-2053 ए मेरा नंबर, हर वेले मेरे को मोबाइल हूँ जे देसी जे ए चलता जे, वट्सअप नंबर जे मेरा 0331-4143-6053, मुहम्मद नमान मेरा बच्चा भी है मेरी शगीरदी भी है, ये वट्सअप नंबर उनके को मैंने उससे वेले दहा देंदा। अच्छा बाबा जी, ये दसाया जे तुसी इन्हां नूं सुक्का दुध दे रहे दुध यानी कि पानी च मिक्स करके उनका लिक्विड बना देंगे, फी बच्चे नूं सुक्का दुध किन्ना खिला रहे जी? देखो जिन्ना ये पी लवे, आ तुम मैं दिखाया वे असी थले बोरा 1-4 किलो दुध मैं थले सुटदा जी, उत्ते असी पैप रख दें, इन्हां दी मर्जी है, खुशी नाल 20 सर पी रहा, कोई 500 पी रहा, कोई 100 पी रहा, ये अपनी हिम्मत नाल पीना जिन्हें पीना। अच्छा बाबा जी, ये दस्या जे
कभी इवें भी होया कि तुहाडा महंगा बच्चा 40-50 लाख वाला 60 लाख वाला जिन्ना नुकसान हो गया हो मर गया हो? जी बिल्कुल, अज तो 5 साल पहले मेरे 5 जानवर डिगे से 50 दिनों के, लेकिन अल्लाह ने फिर लै गया कुल मालक की रजा है तो शुक्र अलहमदुल्ला। उनके बाद फिर जानवर फिर पाले ने बेचे, मैं तुम्हें कह गमी खुशी जिंदगी का हिस्सा है, यह तो असं नहीं ना कह सकते जिंदगी का हिस्सा गमी खुशी आ जाती है। किन्ना नुकसान होया सी 5 दिनां उदो मेरी खरीद थी आज तो 8-9-7 साल पहले 7-8 लाख की पर हैड मेरी खरीद थी। एक साल मैं माल पाला ही मेरा 15-16-17 लाख के करीब ना एक जानवर पैंदा है जिहड़े मेरे जिबा होए सन, यानी कि कोई करोड़ का नुकसान हो गया। इस तो ज्यादा इसी छोटा नहीं नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान से। यह सवाल करने का मकसद यह कि जोड़े दोस्त इस फील्ड चाहना चाहते हैं वो ये भी आपदे आप तैयार रखन। अज भी आए हैं फुल गर्मी के अंदर बाबा जी बच्चों के उत्ते ने इस तरीके का ध्यान करते हैं जिस तरीके इंसान अपने बच्चों का ध्यान करता है तो फिर ही कामयाबी। अच्छा बाबा जी ये दस्या जे ये 40-50 बच्चा तो 6-7 बंदे रखे हुए ने बच्चे रखे हुए ने जोड़े काम करते हैं जी जी 24 घंटे जानवर फौजी घर का पना कर देंगे। देखो जी एडी सफाई देने का मकसद की? सफाई देने का पुत्र यही मतलब है कि असं रात को सोने बिस्तर चंगा तो सो सकते ना, बिस्तर भैड़ा तो नहीं सो सकते। इवें इन्हें रात तरह पालिया थलो गोया छोया ये मिट्टी छिट्टी चुकी रखने साफ रखने ये जो खाते ने बेंदे ने साढ़े आके दुआ भी करते हैं खुश हो गए लम्बिया भी पै रहे। अगर तुम कारोबार करना चाहते सब तो पहले अपने जेन नशीन अपने जेन ये गल कर लेनी है कि असी सफाई रख सकते हैं तो कम करना, खरीदारी चंकी कर सकने तो कम करना, इनू टाइम दे सकने उत्ते बह सकने तो कम करना, वरना कम नहीं करना। बाबा जी की तबीयत खराब है बड़ी मुश्किल ना वो इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन असं ए इस बावजूद वो बच्चों के उत्ते ने। अच्छा बाबा जी ये दस्या जे फी बच्चे का रोजाना का खर्चा तुहाडा तकरीबन किन्ना है? ये जी छोटे बच्चे का जानवर का जो ना खर्चा जे 800 रुपया रोजाना, उस तो बाद एक 1200 रुपया आता जे जे 4 बच्चे ने पहले खाते हैं 1500-1600 हूँ खाते हैं, महंगाई हो गई थोड़ी गैस साल ना वो अनाज अनूज थोड़ा का अप हो गया उत्ते हो गया हूँ 2200 रुपया 2100-2200 रुपया जानवर मेरा जो 4 वे बच्चे ये खाते पै गए। अच्छा बाबा जी ये दस्या जे ये बच्चे एडे खूबसूरत बच्चे ये एक दिन जब तुम खरीद नहीं सकते जी एक मंडी से गया उतो खरीद लिया या मंडिया जो मैनू बड़े घर दसते ने तुम कितों लभ के लिया खुंज चो लिया? देखो जी पुत्र जी असं सारे पूरा पंजाब की पूरा पाकिस्तान फिरने सानू कॉल आ जाती है कोई ना कोई दोस्त कह देना बाबा जी फलानी जगह तुहाडी मर्जी का बच्चा खड़ा है क्योंकि नैट दो रहा मैं जो इंटरव्यू पुत्र देना तो उन्होंने बच्चे फिर मैंने दस देंगे ने मैं जाके पास करना जेड़ा मेरे दिल में चंगा लगता पुत्र मैं महंगा सस्ता नहीं देखता मैं चुक के लै आना मैं इंज नहीं जाता कि मंडिया जाकर रोलदा रहा नहीं मैं कॉल तो ही मैं जाना जेड़ा अच्छा लगना ना वो मैं 50,000 उत्तर थले देकर चुक के लैना लिया के अपने फार्म ला देना उनकी मैं जरा सेवा शुरू कर देना। अच्छा ज्यादातर इस तरह के खूबसूरत जो बच्चे ने किड़े इलाकों मिलते हैं? पुत्र जनूबी पंजाब मैं बड़ा फिरना रहीम यारखां फिरना वा सादकाबाद फिरना वा कश्मोर साइड पर फिरना मुल्तान फिरना वा बावन नगर उस तो बाद बिहारी ठीक है अहमदपुर शिरकिया खान बेला ये पुत्र सारे मैं बड़ा फिरना जिन्होंने अभी कच्चे का इलाका कहने ना पुत्र इधर मैं फिरता फिरता रहना। अच्छा बाबा जी तुम बीमार हो गए जी बच्छा फार्मिंग करते करते इन छड़ क्यों नहीं देंगे जी चमड़े क्यों हुए जी? और यार कोशिश की छड़न की लेकर ना इस तो मेरा ख्याल हूँ अभी मर जाना है जो होर छड़ दें तो 3 महीने बीमार रहा वा भाई जिदन का इतने आके बैठा फिर मैं ठीक हो गया। अच्छा हाँ तो शौक इनका ना ही शौक अल्लाह का शुक्र है यार। ये कितनी देर तक काम करना जी? जिनी देर मेरे मालक ने नाके सा रखा है मेरा एक बच्चा मैं नाल तैयार करना पाना इंशाल्लाह अल्लाह के दुआ की कि मेरे शौक तो बाद बच्चा जो रहना मेरे काम को बधाएगा। मैं 108 जानवर तकर माल पालिया व्डे क्वालिटी वाले बच्चे 108 मैं पाल दते ने हूँ मैं अपने पुत्र ने रह की मैं पुत्रा कि मैं कहा जिंदगी दे मैं 150-200 जानवर पाल के दिखा दे मेरा शौक है फिर थोड़ा बस फिर देखो मैं तो बस हो ही गया हूँ मेरे बच्चे ही करने के मैं रहनमई करनी इन्हें उत्ते आ के बह रहा गड्डी इन्हों मैं नाल ले जाना इन्होंने मैं दस दिन बच्चा इन्हों का पुत्र लै लो ये लै लेंगे ने मैं लिया के फार्म लाई आना इन्हें रहनमई अपने बच्चे की नाल मेरा भतीजा भी है मैं प्यार ना उस्ताद भी कहना प्यार मैं रहनमई करना पुत्र इन सिखाना पा। अच्छा ये दसा जी बाबा जी जेड़े बच्चे अपने फार्म ते इस टाइम मौजूद ने किन्ने लाख तो लैके किन्ने लाख तक बच्चा है? देखो जी 12 लाख तो लैके तो उत्ते बड़ी दूर तक खाता गया आ सही गल जो पिछे बच्चा खड़ा है 80 लाख तो लग गया तुसी नहीं हाँ जी नहीं तो हूँ तो पिछले साल 80 लाख लगे हूँ तो करोड़ तो भी बाहर। देखो मैं तो यह अर्ज की ना कि होने की वैल्यू ना बहुत वड्डी है
हूँ अगले साल जो मेरे अल्लाह का हुक्म होया जे म्यार ते पूरा इन्हें उतारा मेरे मालक का हुक्म हो गया तो इंशाल्लाह मेरे दिल दी जे कि पाकिस्तान का झंडा मेरे हाथ चो गए। अच्छा बाबा जी दसो कि नस्ल का बच्चा अपने को गया? मेरे को जी ब्राह्मण अष्टम टैचे खास ब्राह्मण भी है चौं नसलों के रोजो पाची डिजाइनर जिन्हों कहें गीर जिन्हों कहें फिर मेरे को चिट्टे नुकरे दाजल भी है चोलस्तानी भी है निरे चोलस्तानी भी है साहिवाल भी है उस तो बाद अमरीकन फ्रीजन क्रॉस मेरे को बच्चा है जे साहिवाल के नाल फिर फ्री फ्रीजन के नाल मेरे को ब्राह्मण का क्रॉस भी है हर रंग का मेरे को जानवर है और हर नसल तकरीबन अठ नसल के जानवर इस टाइम मेरे फार्म के मौजूद ने। अच्छा बाबा जी ये दस्या जी एडे महंगे जानवर ने भी लख का बच्चा है पाँ लख का बच्चा है इन्हों वास्ते तुसी किन्ने डॉक्टर रखे हैं? जी डॉक्टर साहबान तो मेरे दोस्त बड़े ने उन्हां दी मेहरबानी मेरी रहनुमाई करते हैं मेरे एरिए दे डॉक्टर बहुत ही नफीस और बहुत ही अच्छे ने लेकिन थोड़ा जिहा मेरा तजर्बा अपना है उन मैं उसके बावजूद भी उन्होंने रहा जरूर करना कोई जानवर उपर थले आता ना वो यार है वह बाबा जी फलाना टीका मैं ना मैं लाता बाबा जी बस ठीक है तुम सही किया लेकिन रहनमई मेरी बहुत करते हैं मेरे जिले शोपने के जो डिप्टी डी एल ओ वगैरह सारे मेरे को आते हैं मैं उन्होंने मशहूर हाँ कि मेरे ना मुहब्बत करते हैं और जी मैं दवाई चाहिए वो सुनो फ्री दें ईमानदारी की गल है मैं ये नहीं कोई रख के गल करता मेरे कोई पैसा नहीं लेंगे मैं नवे मोड़ा दे के जाते बाबा जी वैक्सीन अच्छी है अलो करो तुम मुड़ नहीं लैन जानी अलो मेहरबानी तुम करो मैं उन्होंने मशहूर हाँ कि मेरे जिले के डॉक्टर जो ना डिप्टी डायरेक्टर जी वो सारे मेरे को मैं उन्होंने तहे दिल के नाल शुक्रगुजार हाँ कि मेरे इन्नी मदद कर दें। बहुत शुक्रिया बाबा जी तुम मालूमात दी ले जी बाबा जी की गुफ्तगू आप भाइयों ने सुनी बाबा जी का फीडिंग प्लान बाबा जी की ख़रीदारी और बाबा जी इनको खिलाते क्या हैं एक एक चीज़ पूछी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आप भाइयों को पसंद आई होगी और उसके अंदर बाबा जी की सच्ची और खरी बातें जो हैं वो भी आप भाइयों को पसंद आई होंगी। तो मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको हमारे चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेटिव और मालूमती वीडियोज़ मिलती रहें।